जो खुदावन से डरते हो आज सुनो कि खुदावन ने मेरे लिए क्या क्या किया। हालेलुया। हमारे मसीह का असल खुदा मोहब्बत और मुकद्दस शाहर आप सबके साथ हो। आपके साथ ही हो। मसीह खुदा के अजीज भाइयों बहनों, खुश आमदी आज की इस बारे में खुदा मसीह से कहते हैं और आज कैथर क्लीसिया 31 मई मुकद्दसा मां मरियम और माँ इस बात की मुलाकात की ईद मनाती है, यानी कि दो माओ की मुलाकात है और एक तरफ खुदा और इंसान की भी मुलाकात है कि वो माँ जिसके बोलने से जिसके देखने से जो है हर एक चीज बदल जाती है। जिस तरह आज चीज मुकदस से हम सुनेंगे मुकदसा माँ मरियम अलिस्बाद से मुलाकात करती है और उसके बोलने से उसके सलाम करने से रुल उसकी मामूरी और भरपूरी जो है वो माँ अलिस्बाद पाती है और मुकद्दस यूहन्ना जो कि उसके पेट में है वो भी झुक कर अपने खुदा को सिजदा करता है। ये मुलाकात शुक्रगुजारी की है कि वो माँ जिसने अपने सफर को जारी सारी किया और ये आज की ईद में खिदमत करने के लिए खिदमत पेश करने के लिए जो है हमें आज दावा देती है। आज इस ईद के मौका पर आज की इस इबादत के लिए अपने आप को खुदावंद की हुजूर रखें हलीम और फुरकन बनाएं ताकि हम भी यीशु को अपनी जिंदगी में अपनाते हुए आगे बढ़ सकें। मैं खुदावंद खुदा और सबके सामने इकरार करता हूं कि मैंने अपने खालों हाथों पाँवों नील सफर से रिश्ता गुना किए इसके मुकद समय तुम्हारी सब विषयों और मुकदसों और आप सबसे तुम्हारा करता हूँ कि खुदा तुम्हारे खुदा से मेरे लिए दुआ करें और कारण भी खुदा बाप हम सब पर रहम फरमाए हमारे गुनाहों को माफ करे और हमें हमेशा की जिंदगी में दाखिल करे। खुदा आपके साथ हो। आपके साथ ही हो। हमारे लिए आज के दूसरे उन दिनों में मरियम उठकर जल्दी से कोहस्तान में यहूदा के एक शहर को गई और ज़करिया के घर में दाखिल होकर अलिस्बाद को सलाम किया और जिन अलिस्बाद ने मरियम का सलाम सुना तो बच्चा उसके बदन में उछल पड़ा और अलिस्बाद रूह कुदस से भर गई और बुलंद आवाज से पुकार कर कहने लगी औरतों में मुबारक है और तेरे बदन का फल मुबारक और मेरे लिए ये बात कैसे हुई कि मेरे खुदा की माँ मेरे पास आई कि देख चुनी तेरे सलाम की आवाज मेरे कान में पहुंची तो बच्चा तेरे बदन में कुछ उछल पड़ा और मुबारक है वो जो ईमान है क्योंकि
कि जो वादे खुदाम की तरफ से उससे कही गई थी वो पूरी होगी और मरियम ने कहा मेरी जान खुदाम की बड़ाई करती और मेरे लोग मेरे निजात देने वाले खुदा से खुश क्योंकि उसने अपनी बंदी की पस हाली पर नजर की इसलिए देख अब से लेकर हर समाने के लोग मुझको मुबारक है क्योंकि अल्लाह ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए उसका नाम कदूस है उसकी रहमत उन सब पर जिससे डरते हैं कुछ दर कुछ कायम रहती उसने अपने बाजू से जोर दिखाया और उनको उस दिल के प्यास से मगरूर है फरार करता कर दिया उसने कुदरत वालों को तख्त से गिरा दिया और पस वालों को गुलाम किया और भूखों को अच्छी चीजों से सेर कर दिया और दौलतमंदों को खाली हाथ लौटा दिया उसने अपने बंदे इसराइल की दस्तगिरी की ताकि उस रहमत को याद फरमाए जो इब्राहिम और उसकी नस्ल पर अबद तक रहेगी जैसा कि उसने हमारे बाप दादा से कह दिया था मरियम 3 महीने के करीब उसके साथ रही और अपने घर को लौट गई यहाँ तक आज की जिले मुकदस जिले मुकदस के सिला से हम सब के गुनाह माफ किए सदी में इस ईद को मनाना शुरू किया गया और फ्रांसिस्कन जमायत जिसका मैं खुद मेंबर हूँ इसी जमायत ने इस ईद को मनाना शुरू किया और बाद में मुकद्दस पायस पंचम ने इसे आलम की सतह पर मनाने का हुक्म जारी किया यूं कि पहले 2 जुलाई को ये ईद मनाई जाती थी लेकिन बाद में वो और शहर बतौर ये मुमकिन हुआ कि ये ईद 31 मई को मनाया जाए पर आज पूरी दुनिया में बड़े जोश के साथ और ईमान के साथ कसम मरियम की लिस्वान के साथ मुलाकात की ईद मनाई जाती है इस ईद के लिए किरण हमने अपने आप को तैयार भी किया है यहाँ पर हर रोज 5 बजे कस्सा मारने की अक्स रोजी की इबादत होती थी कितने लोगों ने इसमें शमूलियत की है ये आप जानते हैं या जो पढ़ते हैं वो जानते हैं लेकिन ये मौका सबको दिया गया था कि इस माह में मई के महीने में खास तौर पर पाक अक्स रोजी के जरिए से अपने आप को तैयार कर सके क्या करें ताकि जब कसम मरियम की ये ईद मनाई जाए तो हम भी कसम मरियम के साथ मुलाकात कर सके जिस तरह से आज कसम मरियम लिस्बान के घर जाती है उसी तरह से वो हमारे घरों में भी आए और माँ की मोहब्बत और माँ की शक्कर से हम सब मामूर हो सके पाक अक्दस के बेदों में से खुशी के बेदों में ये दूसरा बेद है जिसकी हम आज ईद मनाते हैं इस ईद पर जब हम गौर करते हैं तो ये ईद दुनियावी तौर पर और रूहानी तौर पर हमारे लिए अहम ईद और दुनियावी तौर पर ये ईद रिश्तेदारी नातों को और अलकात को मजबूती बख्शती है पंजाबी में कहावत है कि साथ जुड़े ने वो मिलजा जुलते हैं अगर हमारा बहुत करीबी भी कोई है उसके साथ हमारा मेल जोल नहीं है हम उससे मिलते नहीं हैं तो ऐसा ऐसा से वो रिश्ता नाता भी खत्म हो जाएगा अगर हमारा बहुत कोई पराया भी है और उसके साथ हमारा अच्छा ताल्लुक है उसके साथ हमारी गहरी दोस्ती है हमारा अच्छा बर्ताव तो वो पराया शख्स भी हमें अपना मालूम होना शुरू हो जाएगा और आज की ये ईद दुनियावी तौर पर हमारे लिए हमारे खानदानों के लिए और हमारे रिश्तेदारों के लिए भी इसकी अहम है कि आज कसम मरियम उस रिश्तेदारी को तकबीयत बख्शती है कसम मरियम खुद चल कर पहल करती है कि जाकर कसम इस बार के पास तैरे और उस रिश्तेदारी को उस नाते को जो दोनों खानदानों में है उससे मजबूती और तकबीयत बख्शती खुदा का फरिश्ता मुकद्दस मरियम के पास आता है और सलाम करते हुए उसे औरतों में मुबारक कहता है और उसे निजात दहिंदा की खुशखबरी देता है वो निजात वो रूह से माबूर हो चुकी है लेकिन
इन सब बातों के बावजूद भी वो अपनी आजजी और इंतजार दिखाते हुए पहल करती है और कसमावरी के पास जाती है। मेरे सिंह भाई और बहन, उन दिनों में सफल करना भी इतना ज्यादा आसान काम नहीं था। शायद पैदल चलकर या फिर घोड़ों और गधों की सवारी किया लोग किया करते थे और कसमावरियां भी शायद हफ्तों की सफर करने के बाद उस मकाम तक पहुंची होगी। आज उस मकाम पर जहाँ पर कसम मरियम की मुलाकात हुई थी, वहाँ पर दो बड़े गिरजाघर बनाए गए हैं। एक को कसम मरियम और मुलाकात की अदिसवा के नाम से मंसूब किया जाता है और एक गिरजाघर को मुकद्दस यूहन्ना की पैदाइश के हवाले नाम से मंसूब किया जाता है। मेरे से सवाल है, आज की ये दोनों असीम माँ की मुलाकात, दो असीम शख्सियात की मुलाकात हमारे लिए भी अहम होना चाहिए। जब आज हम देखते हैं कि हमारे रिश्तों और नातों में दरारें पड़ रही हैं, हमारे रिश्तों और नातों में टूट फूट पड़ रही हैं, हमारे सके जो खून है वो उनका रंग सफेद होता जा रहा है, खून जो है वो एक दूसरे की कशिश होते जा रहे हैं, लोग एक दूसरे से हमारी तौर पर ये ईद हमारे लिए इसकी अहम है क्योंकि आज दो असीम माओ की मुलाकात है और इसके साथ साथ दो असीम बच्चों की भी मुलाकात है, जो कि एक माँ के बदन में वो बच्चा है जो कि सब नबियों में से बड़ा है और जिसे खुदा ने इसलिए भेजा है ताकि वो आने वाले निजात दहिंदा की राह बयान करे, और दूसरी माँ के बदन में वो बच्चा है जो कि इस दुनिया का निजात दहिंदा है, इस दुनिया का खालिक है, इस दुनिया को बचाने के लिए इंसानी शक्ल इख्तियार करने वाला है। ये दोनों बच्चे अहद जदीद का आगाज और तकमील है और इसलिए ये रूहानी तौर पर भी हमारे लिए अहम है।